तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहते हैं। ए सेटेलाइट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड बी इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। मतलब ये अपनी अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में एक सेटेलाइट मूव कर रहा है, और ये सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें सेटेलाइट कोई चल रहा है, और ये ऑर्बिट होता है यहाँ से लेके ये डिस्टेंस ऑर्बिट होता है, इसको मैं आर बोल देता हूँ, और इस समय इसकी लीनियर स्पीड वी है। इफ एम इज द मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट, अ मास एम इज इजेक्टेड फ्रॉम द सेटेलाइट। इस सेटेलाइट से हमने एक छोटा मास एम इजेक्ट कर दिया, तो यहाँ से हमने थ्रो कर दिया स्मॉल एम फ्रॉम द सेटेलाइट, सच दैट इट इस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। मतलब इस पे जो है अर्थ का जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वो जीरो है। समझ में आया? द टाइम ऑफ रिजेक्शन काइनेटिक एनर्जी, जब ये इसको निकाला गया यहाँ से फेंका गया, तो जब इसको यहाँ से फेंका गया तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, ये सेटेलाइट है और ये छोटू मास है, तो उस समय जब फेंका गया तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो करने के तो इसके कई तरीके हैं, ठीक है, अपने मेथड से कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हो, फिर बाद में काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो बट इसका स्मार्ट तरीका यह है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से इस्केप होती है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में रहती है तो उसकी टोटल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो होगा। यह इस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी भी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंडेड नहीं है, तो इसके फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स से, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि उसकी टोटल एनर्जी या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या तो बराबर जीरो होगी। अगर इनसाइड फील्ड है तो अगर बॉडी इनसाइड फील्ड में है तो टोटल एनर्जी जो होती है वो लेस देन जीरो होती है, निगेटिव होती है। तो ये पहला वाला कंडीशन मैं लगा देता हूँ। तो सबसे पहले जब ये सेटेलाइट मूव कर रहा था तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी देखो, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी इज इक्वल टू जी एम ओवर स्मॉल आर के इक्वल होगा अंडर रूट मास ऑफ सेटेलाइट, नहीं है मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो जी एम की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, तो जी एम इज इक्वल टू आर और वी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब टोटल एनर्जी इस सेटेलाइट, अगर इस पार्टिकल जो पार्टिकल इस्केप हुआ, ये पार्टिकल मान लो इस्केप हुआ, तो इसकी हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल इस्केप, तो जो पार्टिकल इस्केप हुआ उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है नहीं। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम उस पार्टिकल का, ठीक है, माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ, वो पार्टिकल जो प्रोजेक्ट हुआ और वो जब प्रोजेक्ट हो रहा था तो आर डिस्टेंस पे था, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी जो हमें चाहिए हाफ एम बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ पार्टिकल और स्मॉलर। जी एम की वैल्यू अभी हम लोग निकाल के लेके आए हैं कि आर वी का स्क्वायर एम ओवर आर, तो आर ने आर को काट दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी एम बी स्क्वायर की, ठीक है। तो जब ये प्रोजेक्ट हुआ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर होगी या इससे अधिक होगी, ठीक है। तो ये एम बी स्क्वायर मतलब डी ऑप्शन सही है। तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैं सॉल्व कर दिया, और इसे सोल्यूशन को आप अच्छे से देख लेना, ये काफ़ी क्वेश्चन में काम आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही यूनिक सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल से बने रहो प्यारे बच्चों।